आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इट्स क्वेश्चन टाइम, और इसके राइटर हैं जेवी नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर। तो लेसन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जयंत विष्णु नार्लिकर, जो इसके राइटर हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही PhD कंप्लीट कर ली थी और बहुत ही मशहूर प्रोफेसर फ्रेड हॉयल उनके अंडर में की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने जो है कह सकते हैं हम ये हमारे जो है एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े आज तक के प्रोफेसर हुए हैं, और इन्होंने बहुत नॉलेज प्राप्त की एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में। अपने जीवन में इन्होंने उनके जो अचीवमेंट्स ये हैं कि उन्होंने कलिंगा अवार्ड जीता जो विज्ञान को पॉपुलराइज करने के लिए प्राप्त करते हैं, यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है, और पद्म भूषण 2004 में उन्होंने प्राप्त किया भारत सरकार की तरफ से। तो इतनी अचीवमेंट्स इनके लाइफ की हैं। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, क्यूरियोसिटी उत्सुकता बिल्ली को मारा, मतलब ये एक प्रोवर्ब है, ये एक लोकोक्ति है कि भाई बेकार की उत्सुकता जो है ना आदमी का नुकसान कर देती है, बेकार के एक्सपेरिमेंट आदमी का नुकसान कर देते हैं। व्हाट किल्ड क्यूरियोसिटी, तो फिर ये पूछता है कि उत्सुकता को किसने मारा। द आंसर इज CAT, इसका उत्तर है CAT। CAT मीन्स मीनिंग कन्फॉर्मिज्म एंड टीचिंग, इसका मतलब है कन्फॉर्मिज्म कि कोई भी जो है पुरानी वैल्यू, पुरानी बात चलती आ रही है उसको मान लेना ऐसे ही, एंड टीचिंग और उसी के अनुसार पढ़ाना, यानी विद्यार्थी जो टीचर ने बता दिया उसी को सही मान लेते हैं, इसके कारण जो है उत्सुकता खत्म हो जाती है, हो रही है। आई एम टॉकिंग ऑफ क्यूरियोसिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मैं उस उत्सुकता की बात कर रहा हूँ जो स्कूल एजुकेशन से ख़त्म हो गई है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, इन इज ऑटोबायोग्राफी। अब अपने एक उदाहरण देते हैं ये कि अपनी आत्मकथा के अंदर द फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुए हैं फ्रेड हॉयल, जो इनके गुरु भी रहे हैं PhD के अंदर, तो अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा रिकाउंट्स एन एपिसोड, एक एपिसोड का उन्होंने जिक्र किया फ्रॉम हिज प्राइमरी स्कूल डेज, अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों का। हिज स्कूल टीचर हैड टोल्ड द क्लास, अब देखिए कहता है कि मेरे उनके स्कूल टीचर ने क्लास को ये बताया था दैट अ सर्टेन टाइप ऑफ फ्लावर, कि एक कोई फूल है, अलग तरह का कोई फूल है, हैज़ 5 पेटल्स, 5 पंखुड़ियाँ होती हैं उसकी। यंग फ्रेड वॉज क्यूरियस, अब जो यंग फ्रेड है तो वो जो बड़े उत्सुक थे इस बात पर कि भाई देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया एंड वांटेड टू चेक द फैक्ट्स, और वो सच्चाई को चेक करना चाहते थे बाय लुकिंग फॉर दिस फ्लावर्स, इन फूलों को ढूंढते रहे। वाइल मोस्ट डिड हैव 5 पेटल्स, 5 ही पेटल थे, 5 ही पंखुड़ियाँ थी ज़्यादातर की। ही केम अक्रॉस 1, एक उसके सामने ऐसा भी फूल आया 1 दैट हैड 6, जिसके अंदर 6 पंखुड़ियाँ भी थी। ही ब्रॉट इट टू द अटेंशन ऑफ द टीचर, अब टीचर के ध्यान में लाई ये बात कि भाई एक के मैंने 6 भी देखे हैं सर। हैड देयर बीन ओनली 4 पेटल्स, अब 4 होते मान लिया, वन कुड एक्सप्लेन, कोई भी आदमी ये एक्सप्लेन कर सकता था द फैक्ट बाई आर्ग्यूइंग, ये बहस करके दैट वन हैड फॉलन, कि भाई जो है ना एक फॉलन ऑफ गिर गया होगा, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा पेटल, लेकिन आप उस एक्स्ट्रा पंखुड़ी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। वाज द रूल ऑफ 5 पेटल्स रॉन्ग, क्या ये है नियम जो 5 पंखुड़ियों वाला वो गलत था। आफ्टर ऑल ही आस्क्ड, उसने पूछा बच्चे ने, द टीचर वाज नॉट यूज्ड टू बीइंग सो क्वेश्चन्ड, उसकी टीचर की आदत नहीं थी कि इस प्रकार से कोई उसके ऊपर क्वेश्चन करे। एंड रिस्पॉन्डेड बाई बॉक्सिंग द बॉयज ईयर्स, तो उसने उत्तर दिया बच्चे के कान पे मुक्के मार दिए और डरा दिया बच्चे को। फ्रेड हाउ एवर डिड नॉट टेक इट लाइंग डाउन, लेकिन फ्रेड इससे डरा नहीं, हिचका नहीं। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ आंसरिंग ए लेजिटिमेट क्वेश्चन, कि ये कोई तरीका नहीं है एक सही प्रश्न का, उचित प्रश्न का उत्तर देने का। ही आर्ग्यूड, उसने बहस किया, एंड मैनेज्ड टू कन्विंस हिज मदर, और अपनी माँ को ये विश्वास दिला दिया, पक्का तैयार कर लिया दैट शी शुड चेंज हर स्कूल, हिज स्कूल, कि वो उसका जो है विद्यालय बदल दे। अब आता है अगला ऑटोग्राफ्ड आंसर्स, ये जो है इसने एक बताया ऑटोग्राफ्ड आंसर, अपनी अपनी अपने जीवन की घटना बताता है।
सो फार एज पुटिंग अ लिड ऑन चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी इज कंसर्न्ड, जहाँ तक बच्चे की उत्सुकता के ऊपर ढक्कन ढकने की बात है, इंडियन स्कूल्स हैव बीन नो डिफरेंट, भारत के स्कूल भी अलग नहीं हैं। चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड टू मेमोराइज द टेक्स्ट एज वेल एज द आंसर्स टू क्वेश्चंस रेज्ड देयर इन। बच्चों को उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो जो है उस टेक्स्ट को, उस जो भी पढ़ाया गया उसको घोट लें, याद कर लें, और जो भी उसमें क्वेश्चन आते हैं उनको भी घोट लें, रटा कर लें, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर और नॉट। इसका कोई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन बच्चों ने उस सब्जेक्ट मैटर को समझा है या नहीं समझा है। देयर स्कूल्स हार्डली प्रोवाइड सूटेबल आउटलेट्स टू देयर स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस इन केस दे डिडंट। और उनके जो विद्यालय हैं ना, वो कोई भी जो है ना सही उत्तर नहीं प्रदान करते। उनके जो प्राकृतिक जो प्रश्न मन से उठते हैं, जो नेचुरल क्वेश्चंस उनके दिमाग में उठते हैं, उनको शांत करने के लिए विद्यालय कुछ भी उपलब्ध नहीं कराते। दिस फैक्ट वॉज ड्रिवन होम टू मी इन द फॉलोइंग वे, कहता है कि ये जो सच्चाई मेरे को कब पता लगी, इस प्रकार से पता लगी, फॉर ईयर्स कई सालों तक आई हैड बीन ऑपरेटिंग अ स्कीम ऑफ एनकरेजिंग, मैंने एक योजना चलाई थी कि मैं बच्चों को प्रोत्साहित करूँ, ऑफ एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, के भाई बच्चे जो है ना क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए उसके प्रति क्वेश्चन होने चाहिए। एट द एंड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर, तो ये बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट बड़े शानदार थे, तो पब्लिक लेक्चर देते थे अलग अलग जगहों पर विद्यार्थियों को और आम आदमी को, तो वो पब्लिक लेक्चर देते तो उसके अंत में क्या किया इन्होंने, देयर वुड बी द इनएविटेबल ऑटोग्राफ सीकर्स, तो बहुत लोग जो ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे कि भाई सर हमें ऑटोग्राफ दीजिए ताकि हमें याद रहे कि भाई हम इनसे मिले हैं, रादर देन गिव माई ऑटोग्राफ देन एंड देयर, कहता कि मैंने ऑटोग्राफ वहाँ पर देने बंद कर दिए, उसके बजाय आई वुड अनाउंस, मैं घोषणा कर देता, दैट वन कुड गेट माय ऑटोग्राफ बाय सेंडिंग अ पोस्ट कार्ड, कि आप मेरे को एक पोस्ट कार्ड भेजिए, मेरा एड्रेस ये है, मेरे को पोस्ट कार्ड आप भेजें और विद अ क्वेश्चन, और उसके जो है ना एक क्वेश्चन होना चाहिए उस पोस्ट कार्ड के ऊपर, रिलेटिंग टू व्हाट आई हैड टॉक्ड अबाउट, जो मैंने यहाँ भाषण दिया उससे संबंधित वो क्वेश्चन होना चाहिए, एंड दैट माई आंसर वुड कैरी माई सिग्नेचर, और जब मैं उसके ऊपर आपका उत्तर दूंगा उस क्वेश्चन का, तो नीचे मेरे सिग्नेचर भी होंगे। द सिस्टम वर्क्ड, इस सिस्टम ने बड़ा जो है ना रीजनेबली वेल फॉर अ वाइल, थोड़े दिन के लिए बड़ा अच्छा काम किया इस सिस्टम ने, एंड वाज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज, और इस सोच के ऊपर जो है आधारित था, दैट ऑफ दोज हु रश इन फॉर एन ऑटोग्राफ, के जो लोग ऑटोग्राफ के लिए दौड़ कर मेरे पास आएंगे, ऑफ द स्पीकर, उस स्पीकर का, यूजअली ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन आर सीरियस, क्योंकि वो बहुत थोड़े लोग ही जो है ना गंभीर होते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय के ऊपर, वो तो सिर्फ आदमी का जो है ना वो मशहूर आदमी का जो ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, इसलिए उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा गंभीर नहीं होते, इसलिए कहता है मैंने जो है सोचा कि गंभीर आदमियों को ही मैं ऑटोग्राफ दूंगा। सो ओनली दोज वुड फिल्टर थ्रू दिस स्कीम, इसलिए जो है ना जो अच्छे आदमी होंगे, जो जिनको नॉलेज से काम होगा, वही आदमी इसमें फिल्टर होके आएंगे इस योजना के तहत, एंड टेक द ट्रबल टू राइट, और वो कष्ट करेंगे लिखने का। आई वॉज ओनली टू हैप्पी टू स्पेंड टाइम रिप्लाइंग, मैं बड़ा खुश होता था लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने में, समय गुजारने में, टू देयर क्वेश्चंस एज दे रिप्रेजेंटेड ए स्पॉन्टेनियस आउटलेट, क्योंकि एक प्राकृतिक उनके जो क्वेश्चन आते थे उनके उत्तर में देता था, और टू ह्यूमन क्यूरियोसिटी, जो मानव की उत्सुकता है उसका मैं उत्तर देता। वन एनजीओ इन मुंबई, अब एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुंबई की थी, सब्सिक्वेंटली इसके बाद क्या हुआ, पब्लिश्ड अ बुकलेट, उन्होंने एक किताब छापी, ऑफ़ दीज क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने दिए इन मराठी, मराठी भाषा में छापी उन्होंने, अंडर द टाइटल, और उसका टाइटल था साइंस थ्रू पोस्ट कार्ड्स, साइंस थ्रू पोस्ट कार्ड्स उस मैगजीन का टाइटल था। तो इतना जो है योजना ये कामयाब रही। हाउ एवर, यद्यपि वी इंडियंस आर गुड एट मिस यूजिंग वेल इंटेंशनड प्रोग्रामर्स, तो अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम बनाने वाले, अच्छी सोच वाले हैं, उनको भी हम मिस यूज़ करने में बड़े माहिर हैं इंडियंस,
माई इंटेंशन वॉज टू एनकरेज, मेरी इच्छा तो ये थी कि भाई मैं प्रोत्साहित करूँ उनको स्पॉन्टेनिटी, प्राकृतिक रूप से इन आस्किंग क्वेश्चंस, कि भाई वो जो क्वेश्चन करें जो प्राकृतिक रूप से मन के अंदर उभरते हैं उनका उत्तर मैं दूँ। सम स्कूल टीचर्स बिगेन, अब क्या हुआ कुछ स्कूल के अध्यापकों ने शुरू कर दिया टू डिक्टेट क्वेश्चंस टू देयर क्लास, पूरी क्लास को जो है क्वेश्चन डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि ये क्वेश्चन पूछ लो डॉक्टर नारलीकर से, विच वर टू बी सेंट टू मी बाय द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो मेरे को भेजते थे। दस वन वीक आई कुड रिसीव 50 पोस्ट कार्ड्स, एक हफ्ते में ही मेरे को 50-50 पोस्ट कार्ड मिल जाते विद आइडेंटिकली फ्रेज्ड क्वेश्चंस, एक से क्वेश्चन होते प्रिसीडेड बाय आइडेंटिकली फ्रेज्ड रिक्वेस्ट्स, और वही रिक्वेस्ट होती सेम की सेम फॉर माय ऑटोग्राफ्ड आंसर, के भाई आप अपना ऑटोग्राफ आंसर दिए, ऑल फ्रॉम द सेम क्लास ऑफ द सेम स्कूल, और वही स्कूल होता और वही क्लास होती। देन देयर वर इंस्टेंसेज, कई उदाहरण ऐसे भी आए ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के सेंडिंग इन रूटीन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, अब वो टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मेरे से कर लेते, विच देयर टीचर शुड हैव आंसर्ड, जो उनके टीचर्स को उत्तर देना चाहिए था बट डिडंट बिकॉज, परंतु उन्होंने नहीं दिया क्यों, बिकॉज द टीचर सेड, टीचर बोले सिंस डॉक्टर नार्लिकर इज आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, के भाई डॉक्टर नार्लिकर जो है ना इतने बड़े साइंटिस्ट हैं वो इन इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, यू बेटर आस्क हिम, तो आप उन्हीं से पूछिए रादर देन मी, मेरे से कहीं ज़्यादा रिलेक्टेंटली, कहता कि ना चाहते हुए भी देयर फॉर इसलिए आई हैव नाउ स्टॉप दैट स्कीम, अब मैंने वो योजना बंद कर दी है। आवर स्कूल सिलेबस, हमारे स्कूल का जो सिलेबस है, टीचिंग मेथड्स और जो पढ़ाने के तरीके हैं, एंड एग्जामिनेशंस और एग्ज़ाम लेने का तरीके आर विद ए फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ उदाहरणों कुछ अपवादों को छोड़कर, बेस्ड ऑन एनकरेजिंग कन्फॉर्मिज्म, वो इसी पर आधारित हैं कि जो चीज़ें पहले लिखी हुई हैं उन्हीं पर भरोसा कर लो, एंड रोट लर्निंग और रट्टा मारने पर ही आधारित हैं। क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड, विद्यार्थियों के जो प्रश्न हैं उनको हतोत्साहित किया जाता है फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। द टीचर डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस, एक तो यह हो सकता है कि भाई टीचर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना हो टू आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के उत्तर देने का, और द क्वेश्चन ऑल दो, या ये कह सकते हैं कि यद्यपि जो क्वेश्चन है गुड वन अच्छा हो, मे बी इरिलीवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर, कि हो सकता है वो क्वेश्चन जो है उस सब्जेक्ट मैटर से संबंधित ना हो इन द सिलेबस, जो सिलेबस के अंदर है, और द क्लास इज टू बिग, या ये भी हो सकता है कि भाई क्लास इतनी बड़ी है फॉर द टीचर टू बी एबल टू एस्टेब्लिश, कि भाई टीचर इस योग्य नहीं है कि वन टू वन रेपो विद ईच अदर विद ईच एंड एवरी पीपल, कि हर स्टूडेंट के साथ वन टू वन रिलेशन संबंध बनाने में वो कामयाब ना हो पाए, इतनी बड़ी क्लास है। एंड ऑफ कोर्स, और बिल्कुल, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम की भी बड़ी शॉर्टेज है फॉर क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस लेने के लिए टीचर के पास, क्योंकि एज द सिलेबस इज क्रैम्ड विथ टू मच मैटर, कि सिलेबस भरा पड़ा है, इतना मैटर उसके अंदर है कि उसको पूरा कराना ही पूरे साल में बड़ा मुश्किल होता है एक टीचर के लिए, इसलिए कहता है कि ये भी हो सकता है कि भाई टीचर जो है ना क्वेश्चंस अगर लेने लग गया तो सिलेबस रह जाएगा। क्यूरियोसिटी अमिस, लेकिन जो है क्यूरियोसिटी गायब, उत्सुकता गायब है। वट एवर द रीज़न, कारण कोई भी हो, क्यूरियोसिटी टेक्स अ बैक सीट वेल बिहाइंड मेमोराइजेशन, के उत्सुकता जो है वो ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ घोटना, याद करना, रट्टा लगाना ऑफ द सब्जेक्ट मैटर का वो रह गया है, उससे कहीं पीछे है क्यूरियोसिटी उत्सुकता। वी मे प्राउडली एसर्ट, ये भी इसका एक कहता है कि हम गर्व से ये कह सकते हैं दैट दिस इज़ द वे आवर एंसेस्टर्स एक्वायर्ड नॉलेज, के भाई हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी तो इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया था, विच वॉज ओरली लर्नड, जो सिर्फ मुख से ही बोल के ही वो सीखा जाता था, मेमोराइज्ड याद करते थे, एंड देन पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और फिर अगली पीढ़ी को वो ज्ञान प्रदान कर देते थे, याद करवा देते थे। दिस इज़ द वे द वेदाज वर हैंडेड
डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसी तरीके से वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिया गया। इट ऑल्सो टेल्स, और ये भी बताया गया है, वाई वी डू नॉट हैव द वेल्थ ऑफ रिटन नॉलेज ऑफ एंशियंट ओरिजिन। यही कारण है कि हमारे पास जो है ना पुरानी कोई लिखित में कुछ भी नहीं है, एज इन द वेस्ट और इन चाइना, जैसे कि पश्चिमी देशों में है और चीन में है लिखित में जो चीज़ें हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में जो है ना मुख से याद करके जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता था, रोट लर्निंग, रट्टा लगाना। हाउ एवर, यद्यपि, फ्रिजिज द नॉलेज, वो ज्ञान को वहीं रोक देता है, बेस नॉलेज बेस इन इट्स ट्रैक्स, अपने रास्ते में रोक देता है। देर इज़ नो इवोल्यूशन, कोई प्रगति नहीं, नो एडिशन, कोई नई चीज़ उसमें नहीं जुड़ती। इट डिस्करेजेज, यह तो उत्साहित करता है किस चीज़ को, क्रिएटिविटी को एंड ओरिजिनलिटी, मौलिकता को। आई रिकॉल एन इंसिडेंट, कहता मैं एक घटना को याद करता हूँ, व्हेन आई वाज इन द 10th स्टैंडर्ड, जब मैं 10वीं कक्षा में था। आई हैड फाउंड ऑन माई ओन, मैंने खुद ही खोज कर ली थी, आई न्यू एंड शॉर्ट प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, कहता कि मैं पाइथागोरस थ्योरम का छोटा और नया तरीका मैंने ढूंढ लिया था खुद अपने तरीके से। आई गेव द प्रूफ इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, जो 6 मई जो होते थे एग्ज़ाम होते थे उनके अंदर मैंने यही प्रूफ दे दिया। माई क्लास टीचर कॉल्ड मी, अब टीचर ने मेरे को बुलाया टू से, ये कहने के लिए दैट ऑल दो द प्रूफ वॉज अ गुड वन, कि ये जो प्रूफ था बड़ा अच्छा था, एंड ही वॉज गिविंग फुल मार्क्स फॉर इट, और पूरे नंबर में दे रहा हूँ तुम्हें। ही विश्ड टू क्वेश्चन मी, लेकिन उसने मेरे को ये चेतावनी दी अगेंस्ट गिविंग इट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, कि नहीं भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में ये प्रूफ मत देना, फॉर द एग्जामिनर देयर, कि वो जो तुम्हारे पेपर चेक करेगा मे नॉट अप्रिशिएट इट, हो सकता है उसको पसंद ना आए। आई शैल रिकॉल हिज वर्ड्स, आई स्टिल रिकॉल हिज वर्ड्स, अब भी मुझे उसके शब्द याद आते हैं टीचर के उनके, कि इफ़ द एग्जामिनर शीज एन अनफेमिलियर डायग्राम, यदि एग्जामिनर को एक अजीब सा डायग्राम दिखाई दिया अलग सा, ही विल गिव यू 0 फॉर इट, वो तुम्हें 0 दे देगा विदाउट बॉदरिंग टू रीड द प्रूफ, के प्रूफ को वो बिना पढ़े। द रीज़न, कारण, ही हैज़ वेरी लिटल टाइम टू लुक एट द आंसर बुक्स, क्योंकि उसके पास बहुत थोड़ा समय होता है आंसर बुक्स को देखने का। दिस टाइम क्रंच, यह समय की कमी, इज़ ऑफन हेल्ड एज द प्राइम कल्प्रिट, ये मुख्य अपराधी माना जाता है इसको। विद सिलेबाई ओवरलोडेड विद सब्जेक्ट मैटर, सिलेबस इतने ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर डाल दिया है। हैरेस्ट टीचर्स एड्रेसिंग ह्यूज क्लासेस, जो टीचर्स हैं बड़े ही जो है ना बड़ी बड़ी क्लासों को संबोधित करते हैं। एंड मैनी आउटसाइड इंटरप्शंस, और बाहर की भी बड़ी रुकावटें आती हैं, जैसे लाइक बंद हमारे देश में बहुत होते हैं, एंड हॉलीडेज छुट्टियां भी बहुत होती हैं। हु हैज़ टाइम, किसके पास समय है टू आंसर पीपल्स क्वेश्चंस, के विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देने का, और टू एनकरेज अ न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग, या एक नई सोच को उत्साहित प्रोत्साहित करने का, किसके पास समय। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय लगेगा, फॉर आवर लॉ मेकर्स, हमारे कानून बनाने वालों को, टू गेट क्लासेज एंड सिलेबाय, सॉरी, टू गेट देयर प्रायोरिटीज राइट, कि अपनी चीज़ों को वो सही करें। एंड एनकरेज मोर स्कूल्स, और स्कूलों का निर्माण करें, स्मॉलर क्लासेज, छोटी क्लास करें, एंड सिलेबाय, और सिलेबस भी उतना करें, दैट एम्फेसाइज कम्प्रीहेंशन रादर दैन एन एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, के उसके अंदर कम्प्रीहेंशन पे जोर दिया जाए, समझ पे जोर दिया जाए, उससे जो है सूचना के अधिकता के बजाय समझ पे ध्यान दिया जाए, तो ये हमारे स्कूल को करना चाहिए। अब लास्ट इसने टॉपिक दिया है सर्च एंड फाइंड, खोजो, सर्च करो और खोज उसको लिखो। नेवरदलेस, कहता फिर भी, गिवन द फैक्ट दैट टीचर्स विल हैव नो टाइम इन द फोरसीएबल फ्यूचर, कि मैं ये मानता हूँ कि भाई नज़दीक भविष्य में मुझे लगता नहीं किसी टीचर्स के पास टाइम होगा, कैन वी एनकरेज स्टूडेंट्स, क्या हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं टू बी मोर सेल्फ रिलायंट, के ज़्यादा आत्मनिर्भर होने के लिए,
हम प्रोत्साहित कर सकते हैं? कैन दे फाइंड आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस? क्या वे अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं देमसेल्स खुद ही? जस्ट एज फाइंडिंग अ हिडन पर्सन इन ए हाइड एंड सीक गेम, जैसे कि हाइड एंड सीक का एक गेम होता है, जो छुपा छुपी का, लुका छुपी का गेम होता है, उसके अंदर एक आदमी, एक विद्यार्थी को, एक साथी को ढूंढना ब्रिंग्स प्लेजर, वो खुशी प्रदान करता है, सो कैन सर्चिंग एंड फाइंडिंग द आंसर टू योर क्वेश्चन, इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढना भी इतना ही आनंददायी हो सकता है। इफ द स्कूल हैज़ डाटाबेसिस लाइक एनसाइक्लोपीडिया, यदि स्कूलों के अंदर किताबें हों, जैसे साइक्लोपीडिया है, इस तरह की चीज़ें हों, आधार हों, हु इज़ हु नाम की किताब जो बड़ी शानदार होती है, उनके अंदर बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं और उत्तर होते हैं, एंड बुक्स स्पेशली रिटन, और ऐसी विशेष रूप से किताबें हों रिटन विद आंसर्स, उनके अंदर वो उत्तर हों, टू फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जो प्राय क्वेश्चन करे जाते हैं उनके उत्तर हों, स्टूडेंट्स में ब्राउज, वो विद्यार्थी जो है उनमें ढूंढ सकते हैं, एंड लोकेट, और ढूंढ प्राप्त कर सकते हैं द आंसर्स देमसेल्स, खुद ही ढूंढ सकते हैं उनके उत्तर, विद द इंटरनेट ग्रोविंग इन इट्स कवरेज, अब इंटरनेट की बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, एंड एक्सेस टू इट बिकमिंग चीपर, और अब सस्ता भी हो रहा है, द नेटवर्क पीसी कैन बी एन इनवैल्यूएबल टूल, तो एक नेटवर्क वाला जो पर्सनल कंप्यूटर, वो एक शानदार खोज चीज़ हो सकती है इन दिस क्वेस्ट, इस इच्छा के अंदर, इस लोगों की इस ढूंढने की ताकत के अंदर, ये एक इंटरनेट जो है बड़ा अच्छा रोल निभा सकता है। इवन विद 6 decades, कहता कि 6 दशक हो गए हैं बिहाइंड मी, कहता ये जो 60 वर्ष का था तब लिखा था इन्होंने, आई एक्सपीरियंस अ चाइल्ड लाइक थ्रिल, कहता कि मैं 60 वर्ष का हो चुका हूँ, लेकिन मेरे को एक बच्चे जैसी जो है ना एक उत्सुकता होती है, वेन एवर माई सर्च लीड्स टू अ वेबसाइट, जब मैं किसी वेबसाइट पर जाकर कोई नई चीज़ खोजने की कोशिश करता हूँ, विद द मच सॉट फॉर इंफॉर्मेशन, जो मैं इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे अंदर एक थ्रिल आती है, बट दिस विल वर्क, लेकिन ये काम तब होगा, प्रोवाइडेड द स्कूल अथॉरिटीज़, तब होगा जब स्कूल के मालिक क्या करेंगे, क्रिएट, वो पैदा करेंगे टाइम स्लॉट, समय देंगे फॉर सच अ सर्च एंड फाइंड एक्सरसाइज, जो सर्च एंड फाइंड एक्सरसाइज होगी ना, उसके लिए अलग से एक पीरियड निर्धारित करेंगे, जस्ट एज दे क्रिएट अ टाइम स्लॉट फॉर गेम्स, जिस प्रकार से एक पीरियड उन्होंने दे रखा है गेम्स एंड पीटी के लिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में द स्टूडेंट्स आर लेट लूज, खुला छोड़ दिया जाए उनको, स्टूडेंट्स को, इन द लाइब्रेरी में, एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द स्कूल, या स्कूल का इंफॉर्मेशन जो सेंटर है उसके अंदर खुला छोड़ दिया जाए, टू फाइंड फॉर देमसेल्स, खुद वो ढूंढें द आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए किताबों के अंदर उनको अकेला खुला छोड़ दिया जाए, फॉर दे डू स्टिल हैव क्वेश्चंस, क्योंकि अब भी उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं डिस्पाइट आवर एजुकेशनल सिस्टम, हमारा जो ये एजुकेशनल शैक्षणिक जो हमारा सिस्टम है, उसके बावजूद उनके दिमाग के अंदर क्वेश्चंस तो हैं, एज आई हैव फाउंड, जैसे मैंने कई बार पाया है, व्हेन आई एवर आई एंगेज देम इन ए क्वेश्चन आंसर लॉग, जब मैं उनको क्वेश्चन आंसर के तरीके में समय में डालता हूँ, तो उनको मुझे पता लगता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस हैं, आई हैव लर्नड अ लॉट माई सेल्फ बाय डूइंग सो, और मैंने खुद भी ऐसा करके बहुत कुछ सीखा है। तो ये लेसन था, अब इसके क्वेश्चंस हम करना चाहेंगे, इसमें विद्यार्थियों को इस लेसन में से 4 चीज़ें जो तैयार करनी हैं, क्योंकि ये जो बुक है, ये 6 लेसन्स इस बुक के हमारे इसमें प्रिस्क्राइब्ड हैं, ये सी फर्स्ट के 2nd सेमेस्टर में, और इसमें 4-4 नंबर के तो आपके आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएगा एक, तो इसी लेसन या लेसन्स में से जो है पैराग्राफ होगा उसमें से क्वेश्चन काटने होंगे, 4 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का आएगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और 6 नंबर के आएंगे छोटे क्वेश्चंस, 2-2 नंबर के, जो 3-3 क्वेश्चन करने होंगे 5 में से, और 1 आएगा बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का, तो इस प्रकार से 22 नंबर की तुम्हारी बुक है, 6 लेसन्स हैं, तो इसमें बड़ा क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाता है, व्हाट इज रोट लर्निंग, जो 3rd क्वेश्चन है,
व्हाट इज रोट लर्निंग, व्हाट इज इट्स मेजर एडवांटेज। रोट लर्निंग के बारे में आपको रट्टा कैसे लगाते हैं तो उसके बारे में बताना है बड़े क्वेश्चंस में। और फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स डज नार्लिकर सजेस्ट टू एनकरेज क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन इट्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, विद्यार्थी अपने इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार कर लें। थैंक यू।